हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी फ्रूट क्रीम। ये एक बहुत ही सिंपल डेजर्ट होता है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रूट्स में मैंने लिए हैं ग्रेप्स लिए हैं, काले वाले अंगूर लिए हैं, हरे अंगूर लिए हैं, एक संतरा लिया है, एक एप्पल, दो केले और स्ट्रॉबेरीज लिए। आपको जो भी मिलते हैं, जो आपके फेवरेट हैं वो लीजिए। साथ में मैंने यहाँ पे लिए शक्कर, मैंने इसको मिक्सी में थोड़ा पीस लिया है, पाउडर शुगर मिले तो और अच्छा है। साथ में अमूल क्रीम और दही लिया है आधा कटोरी, और मैंने इसको छन्नी में ऐसे रख दिया था ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो, क्योंकि काफ़ी इसमें पानी था, वो निकल जाए। उसके बाद डालेंगे ताकि फ्रूट क्रीम काफ़ी थिक बने। सबसे पहले एक बड़े बोल में मैंने अमूल क्रीम को निकाल लिया है, जितना भी क्रीम हो निकाल लेंगे पहले, ये देखिए। और मैं यहाँ पे मथानी का यूज़ करने वाली हूँ। क्रीम को अच्छी तरह से फेंटने के लिए मैंने यहाँ पे मथानी ली है, आप इसकी जगह इलेक्ट्रिक विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सिर्फ अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको फेंटेंगे और सॉफ्ट बनाएंगे तभी इसका टेस्ट अच्छा होगा। बिलीव मी, ऐसा भी ये बहुत टेस्टी लगता है। देखिए इतना मैंने मिक्स किया है और इसमें जो दही था वो मिला देंगे। दही को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। मैक्सिमम मैंने एक मिनट या ज्यादा से ज्यादा दो मिनट ही इसको मिक्स किया है, बहुत इसके सॉफ्ट होने तक मैंने इसको नहीं चलाया है। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ शुगर। बहुत ज्यादा शुगर नहीं डाली है क्योंकि फ्रूट्स में भी स्वीटनेस होती है, तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच शुगर पाउडर लिया है। अब शुगर को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मैंने मिला लिया है और थोड़ी देर के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि शक्कर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दस मिनट हो गए हैं, मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया। देखिए कितना थिक है ये। इसको मैंने इसलिए इतना थिक रखा है क्योंकि फ्रूट्स डालने के बाद उसका थोड़ा जूस तो निकलता है फ्रूट्स का, तो वो ज्यादा गीला ना हो जाए। तो ये एप्पल डाला है मैंने। अब इसमें डालेंगे बनाना, ग्रेप्स और ये संतरे, मैंने अच्छी तरह से इनको पील करके डाला है, और ये स्ट्रॉबेरी। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस जो भी फ्रूट्स हमें फेवरेट होते हैं, हमें पसंद होते हैं, वो फ्रूट्स आप डालिए और क्रीम में मिक्स कर दीजिए। बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और इसको फ्रिज में रखिए और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाला स्वीट डिश है। अगर आपको यह फ्रूट क्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए वीडियोस की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।